कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, किस प्रकार से वो तैयारी हैं और किस प्रकार से राजनीति सर आप देख रहे हैं फिलहाल की, बात करते हैं सर। सबसे पहले तो किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर और किस प्रकार से फिलहाल की जो राजनीति है, मौजूदा राजनीति, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं सर? देखिए, चुनाव तो आ गए और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं और हरियाणा में जो राजनीतिक वातावरण है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मतदाताओं की बहुत बड़ी नाराज़गी, बहुत बड़ी संख्या में मतदाता नाराज़ हैं और उसके परिणाम कहीं ना कहीं आपने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखे। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन में अपने आप को ग्राउंड लेवल पे, मैदानी ज़मीन पे एक मजबूत संगठित पार्टी नहीं बना सकी और उसका कार्यकर्ता कागजों में कितने ही हो लेकिन कार्यकर्ता आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि मेरे कोई काम, मेरी कोई पहचान, मेरे को कोई शाबाशी मिले कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि कार्यकर्ता ये भी समझता है कि कम से कम मेरी पहचान तो बने कि हाँ ये कार्यकर्ता है, इसकी पहचान है सरकार में, इसकी बात सुनते हैं, इसकी बात पे अमल करते हैं। तो पूरे तौर पे राजनीति नहीं करनी आई भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए राजनीतिक फील्ड में वो बहुत ही कमज़ोर है। सर आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर बीच में आप बीजेपी ज्वाइन की, क्या लगता है कि दोबारा कांग्रेस में आने के बाद आप सेटल हो चुके हैं या फिर कुछ और समय लगेगा, या फिर यूं कह लीजिए जो फिलहाल मौजूदा राजनीति है जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कोई अड़चन आपको लग रही है इस प्रकार से कोई? देखिए, बात यह है कि राजनीतिक तौर पर 42 साल की जो मैं कांग्रेस में रहा हूँ और 10 साल भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूँ, तो मुझे अब ये आंकलन करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ठीक हूँ, मजबूत हूँ, नहीं हूँ। मैंने बहुत राजनीति देखी है और बहुतों की, दूसरों की भी देखी है, सिर्फ अपनी नहीं देखी। बाकी ठीक है, मैं कांग्रेस में इसलिए ज़रूर अपने आप को सहज महसूस करता हूँ कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपनी बात को अपनी पार्टी में मजबूती से उठाना और दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे ये देश टिका हुआ है, चाहे वो सेकुलरिज्म है, अब उसको ही कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, यानी हरियाणा में जातिवादी राजनीति को ही कोई मजबूती देने या उसको एनकरेज करने की कोशिश करे, तो ये चीज़ों का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस में मैं अपने आप को ठीक मानता हूँ कि मैं, मेरी जो सोच का हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। क्या मकसद है सर उसका, किस प्रकार से पूरी यात्रा रहने वाली है, क्या आप शामिल होंगे? वो यात्रा ऐसे वो शहरों में जाएगी और पैदल यात्रा होगी और हर शहर में हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती से, क्योंकि शहरों में जहाँ तक भाजपा की बात है, गाँव में तो वो उनकी जड़ें नहीं हैं लेकिन शहरों में अब से नहीं, बहुत पहले से हैं, तो हम यहाँ भी कांग्रेस को लोगों के साथ हम जुड़ें, तो हमारी एक ये सोच है और ये सोच के मद्देनज़र एक टारगेट किए हैं हमने। ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ ज़रूरी है, और कुछ यात्रा तो मैं जब पार्टी में नहीं था उससे पहले की हैं और अब भी ये जो देवेंद्र ना, क्या नाम, दीपेंद्र भी लगे हुए हैं और कुछ लोग स्वयं अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो अब आप ये सवाल करो, ये तो अलग अलग ग्रुप की बात नहीं है, ये है कि इस, ये ऐसा माहौल है इसमें कोई थोड़ा बहुत भी अगर अंशदान पार्टी के लिए कर दे तो वो पार्टी के हित में ही होगा। उचाना का सवाल कर लेते हैं सर, लगातार उचाना के सवालों को लेकर दुष्यंत चौटाला आपके बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी पिछले समय, अब कैसे देखते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला कितने मजबूत नजर आते हैं, क्या उनकी वो ये दावा करते हैं कि मैंने जो काम कराए हैं उसकी बदौलत जो उचाना की जनता है वो आशीर्वाद देगी? मैं तो कहूँ कि उसको जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए,
और चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए, लेकिन वो लड़ेगा नहीं। और क्यों नहीं लड़ेगा, उन्होंने अपनी माताजी को चुनाव में उतारा लोकसभा में, 1,41,000 वोट पोल हुई उचाना में, और उनकी माताजी को सिर्फ 4200 वोट मिली। मैं आपको आज बोल के जा रहा हूँ, इस बात का खतरा है कि कहीं 4200 से भी नीचे ना आ जाए एमएलए में। जननायक जनता पार्टी को लेकर आखिरी सवाल रहेगा सर, कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, क्या भविष्य देखते हैं? जननायक जनता पार्टी ने अपने आप को राजनीतिक तौर पे एक ऐसी पार्टी मान लिया, स्थापित कर लिया, जो सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए है, इसलिए लोगों में टोटल रिजेक्शन। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जननायक जनता पार्टी ने लोगों की अपेक्षाओं पर खरे वो नहीं उतरे, और जिसकी वजह से जनता उनको उनसे नाराज है। और वहीं कांग्रेस की जो यात्रा है वो लगातार निकल रही है, और मजबूती इस यात्रा से मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।